टीकमगढ़ में अपनी लंबित मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन ने धरना देकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि COVID-19 की महामारी में नर्स सबसे बड़े फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने देश पर आए इस संकट की घड़ी में उच्चतम योगदान दिया, इसलिए नर्सों को सेकंड ग्रेड वेतनमान, पुरानी पेंशन योजना, कोरोना काल में शहीद नर्सिंग स्टाफ के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति, राष्ट्रीय कोरोना योद्धा अवार्ड, अग्रिम 2 वेतन वृद्धि का लाभ, स्थानांतरण, नर्सेस का उच्च शिक्षा हेतु आय बंधन हटाने एवं मेल नर्स को समान अवसर, अस्थायी नर्सेस को नियमित किए जाने का लाभ दिए जाने की मांग की गई। मांग पूरी होने तक जिला अस्पताल के बाहर गुरुवार से ही समस्त नर्सेस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। मांगों पर हम यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि हमारा प्रांतीय आह्वान है, पूरे प्रदेश भर की हड़ताल है, जिनमें से कुछ मुख्य मांगे ये है कि हमको ग्रेड पे सेकंड ग्रेड पे चाहिए और बहुत समय से प्रमोशन रुके हुए हैं स्टाफ नर्सेस के, तो वो प्रमोशन किया जाए, ये कुछ मुख्य मांगे हैं हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। मांगे यही है कि सेकंड ग्रेड पे में नर्सेस को रखा जाए, हमें समानता का अधिकार दिया जाए, पिछले दूसरे राज्यों में सेकंड ग्रेड पे में ग्रेड में है और हम लोगों को थर्ड ग्रेड में रखा गया है, प्रमोशन दिया जाए, जो बहुत सालों से पदोन्नति रुकी हुई है उस पदोन्नति के कार्य को आगे बढ़ाया जाए और नर्सेस को पदोन्नति दी जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, ये सारी इस प्रकार से हमारी कुछ 12 सूत्रीय मांगे हैं जो कि हमने ज्ञापन के थ्रू सबको फॉरवर्ड किए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आंदोलन आपको जारी रखेंगे? जी, हम चाहते तो यही है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार करे जिससे हम अपने कार्यों पर लौट सकें, लेकिन अगर पूर्ण नहीं होती है तो हम बताएं आज की मांग को लेकर आप यहाँ पे मांगों का जो सेवा उत्तम के लिए उन्होंने मतलब धरना दे रखी है, उनकी कुछ जो मांगे हैं तो उन मांगों को लेके मैं माननीय विधायक जी से चर्चा करूंगी और माननीय विधायक जी माननीय इनकी जितनी भी मांगे होंगी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सारी योजनाओं का इनके मतलब जो भी मांगे उन मांगों का मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी और जो भी मुझसे बन सकेगा मैं पूरा प्रयास करूंगी। टीकमगढ़ से इरफान खान की रिपोर्ट।